मैं हूँ प्रतिभा। माई रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट ब्राउनी, जिसको सुनते ही सबके मुंह में आ जाता है पानी। फ्रेंड्स, बच्चे तो क्या, बड़ों के मुंह में भी पानी आ जाता है, क्योंकि चॉकलेट है ही ऐसी चीज़। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हमें चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट। फ्रेंड्स, ये सारी ग्रोसरी की दुकानों में आपको आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे हमने लिया है 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 कप चोको चिप्स, 1/2 छोटी चम्मच। फ्रेंड्स, ये वाली छोटी चम्मच से हमने मेज़र किया है, हमने 1/2 छोटी चम्मच लिया है खाने वाला सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। हमने 1 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर, और हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है दही, और 1 पिंच के लगभग हमने नमक लिया है। हम इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे वनीला एसेंस, और हमने 1/2 कप के लगभग लिया है रिफाइंड ऑयल। ये हमने मलाई ली है, घर की मलाई ली है लगभग 1 कप, और यहाँ पे हमने लिया है फ्रेंड्स दूध। ये दूध लिया तो हमने 1 कप है, लेकिन हमको जितनी ज़रूरत होगी बैटर बनाते समय हम उतना ही यूज करेंगे। और ये हमने पिसी हुई चीनी ली है। जब भी हम कोई केक या फिर ब्राउनीज टाइप का बनाते हैं डिश, तो हम उसे पिसी हुई चीनी ही यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आगे की विधि हम देख लेते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इसके मेल्ट करने के 2 मेथड होते हैं। या तो आप गैस पे डबल बॉइलिंग वाला मेथड यूज करके कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव में 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड जितने भी हो जाए उतने में आप इसको गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि जो सूखा हमारा इंग्रेडिएंट है, पिसी हुई चीनी, मैदा, ये खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सबको हम एक बर्तन में एक साथ छान लेंगे। पहले हम सूखा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, फिर हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने छन्ने में डालते हैं मैदा। देखिए, हम मैदा डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी, इसमें डाल देंगे हम कोको पाउडर, इसमें 1 चुटकी नमक भी जाएगा, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच हमने लिया है बेकिंग पाउडर, और ये है 1/2 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से धीरे धीरे इसको छान लेते हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको अब हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम माइक्रोवेव में अपने चॉकलेट को रख देते हैं और 30 सेकेंड से स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 सेकेंड हो चुके हैं। चलिए अपनी चॉकलेट को देख लेते हैं, मेल्ट हुई है कि नहीं हुई है। देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। चॉकलेट हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अगर अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपना तैयार किया था, उसमें सारे वो हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला देते हैं और विस्कर्स की हेल्प से धीरे धीरे उसको चला के फिरते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग सब वेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चॉकलेट डालेंगे जो हमने मेल्ट की है, उसको अच्छे से हम डाल देते हैं इसमें। फिर हमने जो मलाई ली है उसको डाल देते हैं। रिफाइंड ऑयल है फ्रेंड्स, ये हम ऐड कर देते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे चलाते हैं। अब दूध हम उतना ही डालेंगे
जितनी हमको ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, इसको हल्के हाथों से चलाएंगे और हमें एक बात याद रखना है कि हमारे इस बैटर में लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से, चम्मच हो तो चम्मच की हेल्प से, विस्कर हो तो विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से आप चलाइए। फ्रेंड्स, हमारा ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, ये देखिए कितना थिक होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो आपकी ब्राउनी अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसमें हम एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी हम चोको चिप्स भी ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास केक टिन है, आपके पास जैसा भी केक टिन हो आप उस पर ब्राउनी बना सकते हैं। अगर आपके पास गोल हो तो गोल पे बनाइए, चौकोर हो तो चौकोर पे बनाइए। मेरे पास ये चौकोर वाला है तो मैं इस पर अपनी ब्राउनी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से ऑयल को लगा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उंगली से भी कर सकते हैं। इसको चारों तरफ फैला लीजिए रिफाइंड ऑयल को। ये वॉल पे भी अच्छे से लगा लीजिए ताकि हमारी ब्राउनी कहीं से चिपके नहीं। फ्रेंड्स, अब इस पे हम क्या करते हैं, सूखा मैदा थोड़ा चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं। हम अच्छे से चारों तरफ सूखा मैदा स्प्रेड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक टिन रेडी हो चुका है। इसमें हमने ड्राई मैदा ऊपर से पूरा स्प्रेड कर दिया है, इससे आपकी ब्राउनी बिल्कुल चिपकेगी नहीं पैन पे। तो इस पे जो और एक्स्ट्रा मैदा हो उसको आप यूँ झाड़ के अलग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक कप के लगभग दूध लिया था, उसमें हमारा इतना दूध बच गया है, हमारा इतना ही दूध यूज हुआ है, लगभग आधा कप। तो फ्रेंड्स, अब अपने बैटर को हम इस टिन में पलटा लेते हैं। हमने अपना बैटर इस पर पलटा दिया है, अब इसको हम थोड़ा सा टैप कर देते हैं जिससे अगर में कोई एयर बबल होगी तो वो निकल जाएगी। और फ्रेंड्स, इसमें हम लास्ट में अब जो हमारे पास चोको चिप्स थी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। वैसे तो ब्राउनी में आप अखरोट भी डाल सकते हैं, चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये टिन तैयार हो चुका है और हमने अपने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर प्रीहीट के लिए सेट कर दिया था। तो चलिए, हमारा माइक्रोवेव भी रेडी है और हम इस लो रैक पे अपने इस ब्राउनी कप टिन को रख। फ्रेंड्स, हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है तो हम अपने ब्राउनी को रख देते हैं। फ्रेंड्स, हर माइक्रोवेव की अलग अलग सेटिंग होती है, इसमें तो हमारे में कैफेटेरिया में नंबर एक पे ब्राउनी है तो उस पर हम लोग सेट कर देते हैं। कैफेटेरिया पे नंबर एक पे ही ब्राउनी है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ये 32 मिनट के लिए आए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारी ब्राउनी देखिए कितनी मॉइस्ट और स्पंजी बन करके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अपनी ब्राउनी को हम ये टूथपिक लगा के चेक कर लेते हैं। अगर हमारी टूथपिक एकदम साफ निकलती है तो समझ लीजिए कि हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है। अगर इसमें कुछ मैदा हुआ थोड़ा लग के निकले तो इसको आप 5 मिनट के लिए या उससे कम के लिए फिर से बेक होने के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टूथपिक एकदम साफ निकली है,
इसका मतलब हमारी ब्राउनी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद हमारी ठंडी ब्राउनी ठंडी हो चुकी है, तो इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके किनारों को थोड़ा अलग कर लेंगे चाकू की हेल्प से। चलिए अब अपनी प्लेट पे हम इस ब्राउनी को पलटा लेते हैं, थोड़ा सा टैप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्राउनी एकदम अच्छी से निकली है। अब इसको हम सीधा करके रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सुपर स्पॉन्जी ब्राउनी बन गई, हो गई है तैयार। तो इसको अब कट कर लेते हैं, अपने मन चाहे पीसेस में आप इसको कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, जैसा आप खाना चाहें वैसे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्राउनी कितने स्पॉन्जी और मॉइस्ट बन के तैयार हुई है। और आपको आप इसको मेल्ट चॉकलेट के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, या आप इसको चॉकलेट सिरप के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय, जय।